इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं सिग्नल के सीक्वेंस का। ये हमारा पनवेल से रोहा और रोहा से पनवेल का जो सीक्वेंस है वो हम देखेंगे, और इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से सिग्नल हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, और कौन से सिग्नल राइट साइड में पढ़ते हैं, कौन से सिग्नल लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पनवेल से रोहा और रोहा से पनवेल का सीक्वेंस हम डाल इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम पनवेल है हमारा 68 पर, इसका जो सीक्वेंस है पनवेल से रोहा तक का स्टेशन याद करने का जो सीक्वेंस है वो है हमारा 5 10 10 10, फिर 14 13 13, 5 ट्रिपल टाइम्स पैन, फिर 14 13 13। 68 पर हमारा पनवेल है, उसके बाद में 5 जोड़ दिया यानी 73 पर हमारा सोमठ ने, फिर आपता 83 पर, फिर जीते 93 पर, जीते और JNPT 93 पर है। JNPT की साइड जाते हैं तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए 93 पर है। जीते जीते के बाद में पेन, पेन कितने पर आ गया, 103 पर, फिर कासू 117 पर, फिर नागोट ने 130 पर, और फिर रोहा जो है वो हमारे पास में 143 पर है। अब इन स्टेशनों का हम क्या है सिग्नल्स देखते हैं कि इन स्टेशनों के बीच में कौन कौन से सिग्नल पड़ते हैं और कहाँ पर कौन सा सिग्नल पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम पनवेल से जब स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास में आएगा सोमटने, तो सोमटने के लिए कौन कौन से सिग्नल पड़ेंगे। पनवेल से जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा पनवेल से स्टार्ट करते ही हमारा क्या आएगा, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, ये तो आने वाला है। उसके बाद में सोमटने से पहले हमें पड़ेगा एक गेट, गेट हमारा सोमटने से पहले पड़ेगा। तो हम पहले सोमटने देखते हैं कि सोमटने हमारा कहाँ पर है। तो ये हमारी सिग्नल बुक है, इसमें हम देख रहे हैं सोमटने। तो ये हमारा क्या है, सोमटने 73 पर। अब सोमटने से देख रहे हैं हम रोहा एंड की साइड जा रहे हैं, पनवेल एंड से जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखें ये जो दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये है गेट सिग्नल। तो सोमटने से पहले गेट सिग्नल पड़ रहा है, और उसके बाद में गेट सिग्नल के बाद में सोमटने का डिस्टेंट पड़ रहा है, फिर सोमटने का होम है S2। और सोमटने का जो होम सिग्नल है S2, इसके दो डायवर्जन है। अब जो दो डायवर्जन है ये दो डायवर्जन कहाँ पर जा रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर लूप में लेके जा रहा है। सोमटने पर जो दो डायवर्जन पड़ रहे हैं दोनों के दोनों लूप में लेके जा रहा है। एक है हमारा, एक डायवर्जन ये वाला है जो कि कहाँ पर ले जा रहा है, इस लूप में ले जा रहा है, इधर वाले लूप में, और एक ले जा रहा है अप एंड डाउन लूप में, ये एक अप एंड डाउन लूप में। और ऊपर वाला है ये हमारा कहाँ पर ले जा रहा है, PNCS वाले रूट में ले जा रहा है। तो ये जो PNCS की तरफ जाते हैं सोमटने से, ये क्रॉसओवर कितने का है, 10 का है, और ये PNCS के लिए जाते हैं। तो ये हमारा सोमटने के पास में दो रूट हो गया, एक रूट हमारा PNCS के लिए जा रहा है जिसका क्रॉसओवर 10 का है, ये वाला क्रॉसओवर है ये 30 का है, और ये वाला क्रॉसओवर है ये 15 का है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं आगे, सोमटने से निकलते हैं आगे, सोमटने का फिर स्टार्टर और फिर सोमटने का एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर के बाद में सोमटने के बाद में भी गेट पड़ रहा है, सोमटने के पहले भी गेट पड़ा है और सोमटने के बाद में भी गेट पड़ा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो सोमटने है उसके बाद में भी गेट पड़ा है और सोमटने के पहले भी गेट पड़ा है। अब सोमटने के बाद में आता है हमारा आपता, आपता कितने पर आएगा, 10 जोड़ देंगे यानी 83 पर आएगा आपता। तो हम आ गए आपता पर, यहाँ पर ये आपता है हमारा 83 पर, और आपता में पनवेल एंड की साइड से जा रहे हैं, तो आपता का क्या पड़ेगा, पहले डिस्टेंट पड़ेगा, और डिस्टेंट के बाद में आपता के डिस्टेंट के बाद में
गेट सिग्नल पड़ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आपदा के सिग्नल के जो आपदा स्टेशन है उससे पहले भी गेट पड़ेगा। सोमटने के पहले भी गेट पड़ा था, बाद में भी गेट पड़ा था। इसी तरीके से आपदा के पहले भी गेट पड़ा है। तो आपदा का जो डिस्टेंट है और आपदा का जो होम है, इन दोनों के बीच में गेट सिग्नल पड़ रहा है LX5, ये गेट सिग्नल पड़ रहा है। उसके बाद में आपदा का होम आता है S2। उसके दो डायवर्जन हैं। अब दो डायवर्जन हैं, ये जो दो डायवर्जन हैं, एक तो गुड साइडिंग के लिए जा रहा है और एक हमारा डाउन लूप के लिए जा रहा है। डाउन लूप का क्रॉस ओवर 30 का है और गुड साइडिंग का है ये 10 का क्रॉस ओवर है, यानी 15 से कम का है। जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है 15 से कम का है। तो एक तो क्या है, गुड्स के लिए जा रहा है और एक डाउन लूप के लिए जा रहा है। तो दो हमारे क्या हो गए यहाँ पर, क्या हो गए, डाइवर्जन हो गए यहाँ पर S2 आपदा के। अब आपदा के बाद में आगे चलते हैं हम। आपदा के बाद में हमारा आता है जीते। तो ये हमारा हो गया आपदा के दो डाइवर्जन, एक तो हो गया अप एंड डाउन लूप और एक हो गया डाउन लूप। इधर से ये लूप में जा रहा है, एक डाउन लूप में जा रहा है इधर, और ये अप एंड डाउन लूप में जा रहा है। अप एंड डाउन लूप में जाते हैं तो ये क्रॉस ओवर यहाँ पर जो पड़ता है ये 15 का क्रॉस ओवर है और ये 30 का क्रॉस ओवर है। अब आपदा का क्या रहेगा, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर रहेगा। तो ये हमारा क्या है, स्टार्टर है आपदा के बारे में। अब आपदा का स्टार्टर हम देखें और एडवांस स्टार्टर, तो एडवांस स्टार्टर हमारा क्या हो गया, आपदा की लाइन में हम गए S2 होम सिग्नल, ये स्टार्टर सिग्नल हो गया रोहा एंड की साइड एसिड, और फिर आपदा के बाद में आएगा जीते। तो जीते की तरफ देखते हैं, तो जीते की तरफ इसका एडवांस स्टार्टर पड़ेगा, ये हमारा जीते है। तो जीते में आपदा के बाद में यहाँ पर क्या है, सिग्नल बुक में आपदा के बाद में क्या नहीं दिया हुआ है, आपदा के बाद में सिर्फ स्टार्टर सिग्नल दिया हुआ है आपदा में, यानी आपदा होम के बाद में स्टार्टर है, एडवांस स्टार्टर नहीं दिया हुआ है। ये बुक हम देखें तो ये बुक है हमारी आपदा की होम सिग्नल। होम सिग्नल के बाद में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल है S8, एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, यहाँ पर स्टार्टर सिग्नल होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। एक बार हम क्या है ये कंफर्म कर लेते हैं कि स्टार्टर सिग्नल है या नहीं है, आप तक साइड जाते हैं तो यहाँ पर हमें सिग्नल दिया हुआ है S3, स्टार्टर सिग्नल है, उसका नंबर है S3। तो ये इस बुक में छपा हुआ नहीं है, तो ये हम देख सकते हैं 141 पर ये बुक में मिसप्रिंट है, यानी सिग्नल को दिखाया नहीं गया है। तो हमारा अगर हम लाइन पर जाते हैं तो हमें ये स्टार्टर सिग्नल मिलेगा और स्टार्टर सिग्नल के बाद में एडवांस स्टार्टर सिग्नल है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल जो है वो S8 पर है और S8 के बाद में हम आगे चलते हैं आपदा के बाद में क्या आता है जीते। तो ये जीत आपदा के बाद में जीते आएगा, जीते में क्या पड़ेगा, डिस्टेंट पड़ेगा, जीते में डिस्टेंट पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गेट सिग्नल नहीं पड़ा है। गेट सिग्नल कहाँ पर पड़ा है, सिर्फ सोमटने के पहले, सोमटने के बाद में, और सोमटने के बाद में क्या आता है आपदा, सोमटने के बाद में क्या आता है आपदा, आपदा के पहले यानी आपदा का जो डिस्टेंट और होम है उसके बीच में गेट सिग्नल पड़ा है, उसके बाद में गेट सिग्नल यहाँ पर नहीं पड़ा है। अब आते हैं जीते पर। जीते का डाउन डिस्टेंट यानी आपदा और जीते के बीच में कोई गेट सिग्नल नहीं है, डाउन डिस्टेंट, फिर जीते का होम सिग्नल, इसका एक डाइवर्जन है, जीते का होम सिग्नल का S2 है लेकिन इसका एक डाइवर्जन है, और ये क्रॉस ओवर कितने का है, ये क्रॉस ओवर यहाँ पर 30 का है, और ये कहाँ पर जा रहा है, डाउन लूप लाइन में जा रहा है, यानी एक ही डाइवर्जन है जो डाउन लूप लाइन में लेके जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जीते के बाद में पड़ता है गेट डिस्टेंट और फिर गेट, गेट नंबर 13। तो गेट डिस्टेंट गेट ये जीते के बाद में पड़ता है। तो जीते का क्या है, ये स्टार्टर है S3 और एडवांस स्टार्टर है S8, उसके बाद में गेट डिस्टेंट और गेट।
गेट जो है LX13, और जीते के बाद में आते हैं हम पेन पर। तो ये हमारा आ जाएगा जीते के बाद में पेन। तो पेन में हम देखें पनवेल एंड से जा रहे हैं, और पेन से पहले हमारे पास में कौन सा स्टेशन पड़ेगा? पेन के लिए हम देखें क्या है, पेन आपदा के बाद में हमारा आएगा, पेन के लिए जो सिग्नल है पेन डिस्टेंट पढ़ना चाहिए, तो पेन का डिस्टेंट हम ढूंढते हैं, पेन का होम हम ढूंढते हैं। पनवेल एंड से जा रहे हैं हम, ये पनवेल एंड है। अब यहाँ पर ये कासू है, पनवेल का होम, पेन का होम, ये डाउन गेट सिग्नल है, यहाँ पर पड़ता है। इधर हम देखें गेट डिस्टेंट, डाउन गेट डिस्टेंट, यानी हमने क्या किया, पेन से पहले क्या पड़ा था, पेन से पहले जीते पड़ता, तो जीते से निकलते ही हमारा सिग्नल पड़ा है, वो पड़ा है जीते से डिस्टेंट निकलते ही हमारा जो सिग्नल पड़ा है वो पड़ा है गेट डिस्टेंट, और उसके बाद में गेट पड़ा था, और ये फिर गेट डिस्टेंट पड़ा है, और उसके बाद में ये गेट पड़ा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जीते के बाद में जस्ट हम निकले तो यहाँ पर गेट डिस्टेंट और गेट पड़ा है। अब जीते के बाद में क्या आता है, पेन। तो पेन से पहले एक तो पेन का डाउन गेट डिस्टेंट यानी गेट का डिस्टेंट पड़ा है, फिर गेट पड़ा है, और फिर उसके बाद में पेन का डिस्टेंट पड़ा है। तो पेन का डिस्टेंट और फिर पेन का होम, तो ये पेन का क्या है, होम है। और होम है, इसके चार डायवर्जन हैं, चारों डायवर्जन हम देखें पेन के चार डायवर्जन हैं। तो चार डायवर्जन कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, तो ए और बी ये दिखाया गया है, तो ए और बी यहाँ से फिर इसको लिया गया है, ए और बी चार डायवर्जन। तो इन चार डायवर्जन में हम देखें पेन का जो चार डायवर्जन है वो चार पार डायवर्जन कहाँ जा रहे हैं। ये पेन का पहला डायवर्जन है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये 30 का क्रॉस ओवर है, यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। होम सिग्नल के चार डायवर्जन यहाँ पर दे रखे हैं, मान लीजिए ये वाला जो डायवर्जन है होम का, ये चार डायवर्जन ये इधर दे रखे हैं, आप यहाँ पर मान लेते हैं इसको इस तरीके से। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो डाइवर्जन है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ले जाएगा। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1, और इधर वाला ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और बाकी अप एंड डाउन लूप पर ले जाएगा, ये अप एंड डाउन लूप नंबर 1। तो ये डाउन लूप है, ये अप एंड डाउन लूप नंबर 1, ये अप एंड डाउन लूप नंबर 2, तो इनके लिए ले जाएगा। तो ये दो डायवर्जन इधर हैं, अप एंड डाउन लूप गुड्स लाइन नंबर 1 एंड अप एंड डाउन लूप गुड्स लाइन नंबर 2 के लिए, और इधर हमारा सिर्फ डाउन लूप एंड अप एंड डाउन लूप नंबर 1 के लिए है। तो पेन का हमारा हो जाएगा यहाँ पर, पेन के बाद में यानी दोनों, ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के लिए ले जाएगा, ये दो डायवर्जन प्लेटफॉर्म नंबर 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये दोनों यार्ड के लिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे, पैक के बाद में आता है कासू। तो हम आ जाते हैं कासू में, कासू में क्या है, कासू से पहले गेट पड़ रहा है 20, फिर ये भी गेट पड़ रहा है LX20 और LX22, ये दो गेट पड़े हैं, और उसके बाद में कासू का क्या आ रहा है, कासू का डिस्टेंट आ रहा है, फिर कासू का होम आ रहा है। कासू का होम में दो डायवर्जन है, अब दो डायवर्जन जो है कासू के होम में वो क्या है, एक तो डाउन लूप में ले जा रहा है और एक अप एंड डाउन लूप में ले जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें एक तो डाउन लूप में ले जा रहा है कासू का डिस्टेंट होम, और एक ले जा रहा है अप एंड डाउन लूप में, और ये दोनों ही क्रॉस ओवर 30 के हैं। कासू के बाद में ये स्टार्टर कासू का, और ये कासू का क्या आएगा, एडवांस स्टार्टर, और कासू के बाद में आएगा गेट सिग्नल LX35। तो ये गेट सिग्नल है, कासू के बाद में पड़ता है LX35। उसके बाद में स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के बाद में गेट सिग्नल हो गया LX35। उसके बाद में हम आते हैं कासू के बाद में नागोटने, तो
नागोटने है, इसमें क्या पड़ेगा, नागोटने का डिस्टेंट, फिर नागोटने का होम, ये डायरेक्ट पड़ेगा, यानी कासू के बाद में सिर्फ गेट सिग्नल पड़ेगा, गेट सिग्नल के बाद में नागोटने डिस्टेंट और नागोटने होम। नागोटने होम के चार डायवर्जन हैं, चार डायवर्जन में हम देखें ये हमारा लूप में ले जाएगा लेकिन विदाउट OHE, ये भी लूप में ले जाएगा लेकिन विदाउट OHE, ये लूप में ले जाएगा, और ये चौथा है ये हमें वुड्स लाइन के में ले जाएगा। तो हम देखें यहाँ पर चार डायवर्जन, ये लूप में ले जा रहा है अप एंड डाउन लूप, और इधर भी हम देखें अप एंड डाउन गुड्स लाइन नंबर वन, अप एंड डाउन लूप नंबर वन, और राइट साइड में हम देखें तो ये है अप लूप कम डाउन और ये अप्लाई। इसमें हम देखें दो में इनमें OHE नहीं है, नागोटने के अंदर लूप में ले जा रहा है लेकिन दोनों लूप हैं उनमें OHE नहीं है। उसके बाद में ये चार डायवर्जन हो गया, अप लूप यानी लूप वन विदाउट OHE, लूप विदाउट OHE, और फिर लूप है और ये भी हमारा अप एंड डाउन लूप है। अब आते हैं रोहा की साइड, ये रोहा वाला सीन आ गया हमारा। रोहा में क्या है, डायरेक्ट रोहा का पहले डिस्टेंट पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रोहा का, इधर हम देखें एडवांस स्टार्टर के बारे में, यानी कि नागोटने का एडवांस स्टार्टर है, उसके बाद में रोहा के लिए क्या पड़ेगा, तो ये रोहा है, रोहा के लिए पड़ेगा यहाँ पर गेट डिस्टेंट और गेट, तो ए और वी वाला जो सीक्वेंस यहाँ पर आया है ये पड़ेगा गेट का डिस्टेंट है और गेट है, गेट का डिस्टेंट और गेट के बाद में डायरेक्ट क्या पड़ेगा, रोहा का होम पड़ेगा। तो रोहा का होम यहाँ पर देख लेते हैं, गेट और डिस्टेंट गेट के बाद में डायरेक्ट रोहा का होम पड़ेगा। इसके चार डायवर्जन हैं, चार डायवर्जन में ये दो डायवर्जन है ये विदाउट OHE के लिए जा रहे हैं, और ये हमारा लूप के लिए जा रहा है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर वन के लिए ले जा रहा है। तो देखें हम यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर वन के लिए ले जा रहा है, और ये जो है ये विदाउट OHE वाला ये लूप है उसमें ले जा रहा है, दो विदाउट OHE वाले लूप हैं और एक मेन लूप में ले जाता है, ये डाउन लूप लाइन है उसमें ले जाता है। तो ये चार डायवर्जन है, विदाउट OHE, विदाउट OHE, लूप एंड ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर वन पर ले जाता है। ये तो हो गया रोहा जाने का सीक्वेंस। अब रोहा से अगर पनवेल आना है तो क्या किया जाए, रोहा से पनवेल आना है तो भी हमारे पास में सिग्नल रहेंगे, तो वो कौन कौन से सिग्नल रहेंगे। रोहा से निकला हम तो रोहा से निकलेंगे तो क्या पड़ेगा, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर के बाद में गेट सिग्नल पड़ेगा LX52, तो ये है LX52 गेट सिग्नल पड़ेगा, ये वाला सिग्नल LX52, LX52 के बाद में अप गेट का डिस्टेंट पड़ेगा, फिर LX46 का रिपीटर पड़ेगा, और LX46 के रिपीटर के बाद में LX46 कुछ सिग्नल पड़ेगा। तो ये इनमें हम देखें कोई भी क्या है, राइट हैंड साइड सिग्नल नहीं पड़ा है, ये भी हम देखें कोई भी इनमें राइट हैंड साइड सिग्नल नहीं पड़ा है। अब आगे हम रोहा से, अब रोहा से आगे नागोटने है, तो नागोटने के लिए आते हैं, तो नागोटने में क्या पड़ेगा, ये नागोटने है, तो नागोटने से अब आ रहे हैं हम पनवेल की तरफ रोहा एंड से, तो ये डिस्टेंट पड़ेगा नागोटने का, फिर नागोटने का होम पड़ेगा, और नागोटने का होम जो पड़ेगा इसमें तीन डायवर्जन है, तीन डायवर्जन है, एक तो ले जा रहा है यार्ड के लिए और बाकी दो डायवर्जन है वो ले जा रहा है एक अप लूप के लिए एक एन अप एंड डाउन लूप के लिए। तो यहाँ पर हम देखें ये जो दिया हुआ है एक तो यार्ड में ले जा रहा है, ये तीन डायवर्जन एक यार्ड में एक अप लूप में एक अप एंड डाउन लूप में ले जा रहा है, और ये क्रॉस ओवर 30-30 के हैं। उसके बाद में ये स्टार्टर हो गया आते समय, और ये एडवांस स्टार्टर हो गया नागोटने, नागोटने के बाद में कासू आ जाता है, एडवांस स्टार्टर के बाद में कासू, तो
कासू में देखें, ये कासू है, तो कासू में आप ग्रेट डिस्टेंस पड़ेगा कासू में, फिर क्या है ये गेट सिग्नल है 35 कासू में, और गेट 35 उसके बाद में कासू का होम पड़ेगा, एक ही डायवर्जन है और कासू का जो होम पड़ता है उसमें एक ही डायवर्जन है, वो फुल अप लूप में ले जा रहा है, तो ये हमारा क्या है एक ही डायवर्जन जो पड़ रहा है वो अप लूप में ले जा रहा है, इधर अप लूप में, और उसके बाद में कासू का स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, तो कासू का स्टार्टर हो गया S18, एडवांस स्टार्टर S18 हो गया, स्टार्टर हो गया S19, एडवांस स्टार्टर के बाद में गेट डिस्टेंट के बाद में LX422 गेट और LX20 भी गेट, ये कासू में आ गया, कासू के अंदर आ जाएंगे सिग्नल दोनों। अब कासू के आ गया हमारे पास में, कासू से आगे चलते हैं, तो स्टार्टर एडवांस स्टार्टर गेट हो गया 20। अब बात करते हैं हम पेन की, तो पेन में आ जाते हैं हम, ये हमारा पेन है और पेन में हमने देखा AVA वाला है सेक्शन रो हैंड से, तो ये पेन से आ रहे हैं हम, डी ऑप्शन हमारा ये हो गया, तो ये आ जाते हैं पेन से। अब डिस्टेंट पड़ेगा, अब डिस्टेंट के बाद में पेन का जो होम सिग्नल है वो पड़ेगा 45, 45, तो ये हमारा रोहा एंड से आ रहा है, वो है सी सी वाला पार्ट, तो ये अप डिस्टेंट पड़ेगा, रोहा एंड से आ रहे हैं तो अप डिस्टेंट के बाद में ये जो सिग्नल पड़ता है ये 45 पड़ता है, जिसके दो डाइवर्जन हैं। अगर हम JWD से आते हैं, थल से आते हैं, तो S44 पड़ता है जिसके तीन डाइवर्जन हैं, लेकिन अगर हम रोहा से आ रहे हैं तो S45 पड़ता है जिसके दो डाइवर्जन हैं। अब दो डाइवर्जन हैं हमारे पेन वाले के, तो दो डाइवर्जन हम यहाँ पर देखें S45, दो डाइवर्जन जिसका COD हो गया यहाँ पर, उसके बाद में गेट डिस्टेंट पड़ेगा, और गेट डिस्टेंट के बाद में क्या पड़ेगा यहाँ पर, गेट डिस्टेंट के बाद में ये स्टार्टर सिग्नल पड़ेगा गेट डिस्टेंट के बाद में, तो हमारा क्या है पेन, पेन के बाद में गेट डिस्टेंट के बाद में गेट सिग्नल पड़ेगा LX13, तो यहाँ पर हम निकालें LX13 है गेट सिग्नल पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया यहाँ से सी एंड डी, गेट डिस्टेंट, गेट डिस्टेंट, और उसके बाद में गेट LX13, और उसके बाद में क्या पड़ेगा जीते का डिस्टेंट पड़ेगा, तो जीते हम देख लेते हैं, ये जीते, तो ये अब डिस्टेंट जीते का, और फिर जीते का S24 पड़ेगा सिग्नल नंबर S24, तो यहाँ पर भी एक दिक्कत हम मान सकते हैं आप, ये वाला जो है कौन सा पेन का, पेन में यहाँ पर जो सिग्नल दिया हुआ है गेट डिस्टेंट दे रखा है होम सिग्नल के बाद में, पेन के होम सिग्नल के बाद में स्टार्टर एडवांस स्टार्टर नहीं आया है यहाँ पर, तो स्टार्टर एडवांस स्टार्टर आना चाहिए यहाँ पर, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के बाद में हमारा गेट सिग्नल आना चाहिए, तो हमें क्या करना है स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के बाद में ये गेट सिग्नल देना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं पेन से, रोहा वाला जो सीक्वेंस है, तो यहाँ पर हम देखें ये हमारा गेट डिस्टेंट पड़ा है स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के बाद में, गेट डिस्टेंट पड़ा है हमारा, और गेट डिस्टेंट के बाद में ये हमारा गेट पड़ा है S13, और गेट के बाद में हम आगे चलते हैं रोहा से, तो S13 के बाद में हमारा जीते डिस्टेंट पड़ेगा, तो फिर आते हैं हम जीते डिस्टेंट पर, तो ये हमारा जीते डिस्टेंट के बाद में जीते का होम पड़ा है वो S24, इसका एक ही डाइवर्जन है, 30 इसका क्रॉस ओवर है, और ये अप लूप में ले जा रहा है सिर्फ, और उसके बाद में जीते का स्टार्टर, जीते के स्टार्टर के बाद में जीते का एडवांस स्टार्टर, और जीते का एडवांस स्टार्टर है उसके बाद में क्या आएगा हमारा आपता आएगा, जीते आपता, अब आपता का क्या पड़ेगा फिर, आपता का डिस्टेंट पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देखें
ये आपता है, आपता का अब डिस्टेंट पड़ता है, ये घुमाव पर है पूरा, आपता का अब डिस्टेंट, और डिस्टेंट के बाद में आपता का होम पड़ता है S24। इसमें एक ही डाइवर्जन है जो कि अप लूप में ले जाएगा, और 30 का क्रॉस ओवर है। आपता के बाद में ये स्टार्टर, फिर एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर के बाद में आपता के बाद में एक गेट सिग्नल पड़ता है LX5। ये आपता के बाद में पड़ता है LX5। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो सिग्नल है एडवांस स्टार्टर के बाद में आपता के बाद, आपता का होम हो गया, स्टार्टर हो गया, एडवांस स्टार्टर हो गया, फिर गेट सिग्नल हो गया, फिर आपता के बाद में क्या आ जाता है, आपता के बाद में सौमटने आ जाता है। तो सौमटने वाला हम देखें तो ये सौमटने का रूट हो गया। सौमटने के रूप में अप गेट डिस्टेंट पड़ेगा, फिर अप गेट डिस्टेंट, फिर LX2 गेट का गेट रिपीटर सौमटने से पहले, और फिर गेट सिग्नल है ये, और फिर गेट डिस्टेंट, गेट रिपीटर, गेट सिग्नल, और उसके बाद में S39, ये होम सिग्नल पड़ता है सौमटने का आते समय। अब ये होम सिग्नल है सौमटने का, इसके दो डायवर्जन हैं। दो डायवर्जन हैं, एक तो अप लूप में ले जा रहा है, एक एंड डाउन लूप में ले जा रहा है। तो ये यहाँ पर हम देखें, ये अप लूप में ले जाएगा और ये डाउन लूप में ले जा रहा है। तो इधर हम देखें अप एंड डाउन लूप में, और एक अप लूप में ले जा रहा है। उसके बाद में ये स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर पड़ेगा, तो एडवांस स्टार्टर हो गया, स्टार्टर हो गया। उसके बाद में गेट डिस्टेंट और गेट पड़ेगा, गेट डिस्टेंट, गेट के बाद में डायरेक्ट पनवेल का होम पड़ेगा S39। तो इसके बाद में अगर हम बात करें सोमटने के बाद में पनवेल का होम पड़ेगा वो है S39, और S39 के चार डाइवर्जन रहेंगे। तो पनवेल हम देखें, जैसे हम आ रहे हैं किससे, रोहा की साइड से, तो इधर हम देखें ये कहाँ है, रोहा, ये वाला है रोहा, रोहा की तरफ जा रहे हैं और रोहा से आ रहे हैं, तो ये S39 पड़ता है। S39 में क्या है, एक डाइवर्जन है, और एक डाइवर्जन है वो कहाँ पर ले जाएगा, यहाँ पर इधर S34 पर ले जाएगा, और नहीं तो ये सीधा ले जाएगा इस लाइन पर, यानी इधर सीधा ले जाएगा अप एंड डाउन गुड्स लूप लाइन में, नहीं तो S34 पर ले जाएगा। S34 के जो डाइवर्जन है उसके हिसाब से 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर पर आपको ले जाएगा। तो ये हो गया हमारा रूट जो है, कहाँ से, पनवेल से रोहा, और रोहा से पनवेल का रूट है। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि राइट हैंड साइड सिग्नल कौन सा पड़ा है। तो पनवेल से अगर रोहा का अगर हम रूट देखते हैं तो राइट हैंड साइड जो सिग्नल पड़ा है वो एक तो गेट रिपीटर पड़ा है जो कि नागोटने का एडवांस स्टार्टर हम देख ले सकते हैं। नागोटने का एडवांस स्टार्टर कहाँ पर है, नागोटने का एडवांस स्टार्टर अगर हम बात करें 100, ये हमारा रोहा है, ये हमारा नागोटने है। तो नागोटने का एडवांस स्टार्टर सिग्नल हम देखें, पनवेल से अगर हम BSR जा रहे हैं, पनवेल से हम रोहा जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखें रोहा एंड की साइड जा रहे हैं, तो नागोटने का एडवांस स्टार्टर ये वाला जो सिग्नल है, ये S8 है, ये हमारा राइट हैंड साइड में पड़ता है नागोटने का एडवांस स्टार्टर सिग्नल। दूसरा, रोहा से पनवेल आते हैं तब नागोटने का एडवांस स्टार्टर है राइट हैंड साइड में पड़ता है, ये तो हम जा रहे हैं पनवेल से रोहा, तो ये गलत है यहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही है। रोहा से जब पनवेल आते हैं तब एडवांस स्टार्टर जो पड़ता है इसका वो राइट हैंड साइड में पड़ता है। तो ये हमारा जो है नागोटने एडवांस स्टार्टर, तो ये हमारा क्या है, S24 है, ये स्टार्टर है कि एडवांस स्टार्टर है, तो ये हम देख लेंगे नागोटने, और
ये हमारा है कासू, नगोड़ ने कासू। तो राइट हैंड साइड का जो सिग्नल है वो हम बाद में देखेंगे कौन कौन से सिग्नल हैं। वैसे हमारा एक नागोड़ ने का एडवांस स्टार्ट सिग्नल पड़ता है, और एक एलएक्स जो 20 है वो पड़ता है हमारा गेट सिग्नल। पेन का जो डिस्टेंट है वो भी राइट हैंड साइड में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस बुक में दिखाया नहीं है पेन का डिस्टेंट। ये हम देखें पेन का, तो यहाँ पर पेन का डिस्टेंट भी राइट हैंड साइड में पड़ता है आते समय। ये यहाँ पर दिखा रखा है पेन का डिस्टेंट है, वो भी राइट हैंड साइड में पड़ता है रोआ से आते हैं तो, लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं है। और थोड़ा हो सकता है बुक में प्रिंट के टाइम मिस्टेक हुई हो, लेकिन पेन का जो डिस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में पड़ेगा। आपता का होम है S24, वो भी राइट हैंड साइड में पड़ता है। तो ये आपकासु, पेन, जीते और आपता। तो आपता का जो होम है S24, वो भी राइट हैंड साइड में है। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये S24, तो ये तो हमारा राइट हैंड साइड में दिख रहा है। ये इधर से आते हैं हम, तो आपता का होम है वो राइट हैंड साइड में है। और पेन का डिस्टेंट भी हम देखें तो आपता के बाद में पेन, ये हमारा पेन है सोमठ में, आपता, जीते, पेन। पेन का डिस्टेंट, पेन का डिस्टेंट कहाँ पर है? इधर से आते हैं रोहा एंड साइड से, तो ये है, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रखा है, राइट साइड हैंड साइड में है ये पेन का डिस्टेंट। बाकी अगर हम पनवेल से रोहा जाते हैं तो पनवेल से रोहा जाते समय जीते का होम राइट हैंड साइड में पड़ता है। तो जीते का होम और देख लेते हैं हम, ये कासू, पेन, जीते का होम राइट हैंड साइड में पड़ता है। तो ये S2 है, ये राइट हैंड साइड में पड़ता है, ये यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया, ये राइट हैंड साइड पड़ता है। तो ये हमारा क्या है सीक्वेंस है, कहाँ से पनवेल से रोहा, रोहा से पनवेल का।